नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर का बृहस्पतिवार को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने गहनता पूर्वक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने ICCU और GOT के डॉक्टर और स्टाफ के साथ घंटों वार्ता कर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक अभय चंद्र श्रीवास्तव ने अस्पताल में स्थित फिजियोथेरेपी विभाग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फिजियोथेरेपी विभाग के जर्जर भवन के छत के मरम्मत के लिए शासन को पत्र लिखकर मरम्मत कराने की बात कही और अस्पताल परिसर में लगे कूड़े के अंबार को नगर आयुक्त से वार्ता कर संसाधन मुहैया कराकर कूड़ा निस्तारण कराने के लिए संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, जब पार्किंग उधर होगी तब साफ सफाई बढ़ जाएगी। ये निरीक्षण एक तरह से नहीं, पूरे चिकित्सालय को मैंने ये निश्चय किया है कि प्रतिदिन किसी न किसी एक वार्ड में गहन परीक्षण करूंगा। उसका मतलब है कि क्या कमियां हैं उनको भी सुनूंगा और ऐसे कैसे बेहतर किया जा सकता है इसको भी देखूंगा। दवाइयों की आपूर्ति क्या है, हर चीज़ सही तरीके से हो रहा है, कितने मरीज भर्ती हैं, वो कब से बीमार थे और उनको क्या इलाज दिया जा रहा है, वे संतुष्ट हैं कि नहीं। उस दिन उस वार्ड के प्रत्येक मरीज के और उनके रिश्तेदारों से बात करूंगा। इस सिलसिले में पहले भी किया कर रहा था, बीच में कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने का रुक गया था, फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए मैं आज पीको और OT दोनों का एक गहन परीक्षण किया। पीको में 5 बच्चे हैं, 2 AES के हैं, 3 अभी कंफर्म नहीं हुआ ऐसे बच्चे हैं, सभी ठीक हैं, उनके रिश्तेदारों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।
उनके मरीज के बारे में उनके चिकित्सक से वार्ता भी हुई और उचित निर्देश भी दिए गए और ये भी बात कही गई कि हफ्ते में एक दिन सभी स्पेशलिस्ट बैठकर हर बीएसटी के बारे में डिस्कस कर लें, जिससे कि उस मरीज को पांचों की राय से और बेहतर इलाज हो सके। जैसे मेरे पास पांच पीडियाट्रिशियन हैं तो पांचों पीडियाट्रिशियन की राय मिल जाए किसी के इलाज के लिए और अच्छा होगा। सर, आपने इस दौरान फिजियोथेरेपी ओपीडी का भी निरीक्षण किया, वहाँ सर छत के चूने की बात आई और भी कुछ हाँ नहीं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। फिजियोथेरेपी में भी बैठा था, मशीनों को देखा, छत को देखा और यहाँ पर जो माइनर रिपेयर या बिल्डिंग का वर्क करते हैं उनके आदमी भी थे और ये पाया कि इस बिल्डिंग की छत को दूसरा छत डलवाने के लिए एक प्रपोजल बनाकर शासन को अवगत कराना पड़ेगा और उनसे बजट की मांग करनी पड़ेगी, अन्यथा ये बिल्डिंग और मशीनें हमारी ख़राब हो जाएंगी। अस्पताल परिसर के अंदर डॉक्टर ब्रह्मशिष्ट का आवास भी है, उनके आवास के ठीक सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसको लेकर क्या? नहीं, काफ़ी कूड़े का ढेर तो साफ़ किया जा चुका है और उधर मैंने पार्किंग भी स्टार्ट कर दी है। अब धीरे धीरे इस अस्पताल के बारे में एक एक चीज़ अभी चल रहा है। ये तो आने वाले तीन दिन के अंदर ही इस बिल्डिंग के बारे में देखा था और यहाँ के जेई से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जब से ये 25 साल से बना तब से इस पर कोई रिपेयर ही या कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। इस संबंध में मैंने उस समय कहा था कि इसके मेजर रिपेयर पूरा देख लें और इसका प्रोजेक्ट बना के हमें दें, जिससे मैं अपने महानिदेशालय और शासन को अवगत कराऊं। और इस संबंध में थोड़ा सा रुक गया था, हर चीज़ थोड़ा 10-12 दिन डिले हो गई है, फिर सभी चीज़ें ढर्रे पर ला रहा हूं और सबके लिए कार्रवाई कर रहा हूं।